हेलो फ्रेंड्स, मैं सर शब्बीर हुसैन एंड यू आर वॉचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे इंटरफेरेंशियल थेरेपी के बारे में। आज की वीडियो में आपको बताएंगे इंटरफेरेंशियल थेरेपी क्या होती है, इसके इंडिकेशंस क्या होते हैं, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं, साथ ही आपको बताएंगे कि इंटरफेरेंशियल थेरेपी किस प्रिंसिपल पर काम करती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, इंटरफेरेंशियल थेरेपी, जिसको हम IFT के नाम से भी जानते हैं, बेसिकली ये एक थेरेपेटिक करंट होता है जो फिजियोथेरेपी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि जो इंटरफेरेंशियल थेरेपी है वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है। दोस्तों, इंटरफेरेंशियल थेरेपी के अंदर होता क्या है, दो मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट मिलके एक लो फ्रिक्वेंसी पल्स को जनरेट करते हैं, जिससे होता क्या है कि जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर जब दो मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट इंटरसेक्ट करते हैं, जिससे लो फ्रिक्वेंसी करंट प्रोड्यूस होता है, तो उसकी वजह से ये डीप पेनिट्रेशन होता है टिश्यूज़ के अंदर। तो अफेक्टेड एरिया के अंदर डीप पेनिट्रेशन आपको देखने को मिलता है, जिससे उस अफेक्टेड एरिया पर पेन कम होता है, इन्फ्लेमेशन कम होता है और सर्कुलेशन बढ़ जाता है। दोस्तों, सर्कुलेशन बढ़ जाने से क्या होता है कि उस पार्ट पर न्यूट्रिएंट अच्छे से पहुँचते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन पहुँचती है, जिससे उस पार्ट की जो रिपेयरिंग है नेचुरल तरीके से वो स्टार्ट हो जाती है। साथ ही हमारे एंडोर्फिन्स, जो नेचुरल पेनकिलर्स होते हैं, जो एंडोर्फिन्स होता है एक हार्मोन हमारे शरीर में जो कि नेचुरल पेनकिलर होता है, वो प्रोड्यूस होता है, जिससे हमें दर्द कम होता है, दर्द की जो सेंसेशन है वो कम होती है। दोस्तों, इंटरफेरेंशियल थेरेपी का इस्तेमाल हम दर्द को कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, स्प्रेन स्ट्रेन के केस में या मस्कुलर पेन के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं इंटरफेरेंशियल थेरेपी का। दोस्तों, इंटरफेरेंशियल थेरेपी को यूज़ करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपके एरिया ऑफ पेन के अकॉर्डिंग, आपको जिस जगह दर्द हो रहा है उस एरिया के अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रोड्स प्लेस करते हैं आपकी बॉडी के ऊपर। जो इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट होता है वो क्रिस क्रॉस पैटर्न में किया जाता है, रेड और ब्लैक को क्रिस क्रॉस पैटर्न में लगाया जाता है, ताकि इंटरसेक्टिंग करंट को प्रोड्यूस किया जा सके। इंटरसेक्टिंग करंट्स उस एरिया पर प्रोड्यूस करके आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको इफेक्टिव ट्रीटमेंट देने की कोशिश करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कब हम इंटरफेरेंशियल थेरेपी का इस्तेमाल नहीं करते, कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी होती है जिसके अंदर इंटरफेरेंशियल थेरेपी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, जैसे कि प्रेगनेंसी हो गया, एपिलेप्सी हो गया, अगर किसी को पेसमेकर लगा हुआ है तो उस केस में भी हम इंटरफेरेंशियल थेरेपी का इस्तेमाल नहीं करते, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के केस में भी हम इंटरफेरेंशियल थेरेपी का इस्तेमाल नहीं करते, या कोई भी इम्प्लांट अगर किसी को लगा हुआ है तो उस केस में भी आपकी इंटरफेरेंशियल थेरेपी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताया इंटरफेरेंशियल थेरेपी के बारे में। दोस्तों, अगर आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इंटरफेरेंशियल थेरेपी के ऊपर, तो हमने एक आर्टिकल लिखा हुआ है इंटरफेरेंशियल थेरेपी के ऊपर, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, साथ ही पिन कमेंट सेक्शन में भी आपको उस आर्टिकल की लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप वो आर्टिकल पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।